एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहला काम जो आप ये है कि आप नई डेटाबेस क्रिएट कीजिए, या जो आपकी पुरानी डेटाबेस है या डिफ़ॉल्ट की जो डेटाबेस है उसको रीनेम कर दीजिए। इस मसले के लिए आप मेल बॉक्स पर क्लिक करने के बाद डेटाबेस मैनेजमेंट, और फिर राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी, और यहाँ पे आप फुल जो भी नाम है वो दे सकते हैं। जैसे मैं इसको नाम देता हूँ मैनेजर्स का और ओके करता हूँ। ये देखिए, ये डेटाबेस जो है मैनेजर का जो है वो रीनेम हो गई है। आप राइट क्लिक करने के बाद इसको डिसमाउंट कर सकते हैं और फिर माउंट कर सकते हैं। और ये अच्छा तरीका है माउंट और डिसमाउंट करने का तरीका, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप एक्सचेंज का जी जो है डेटाबेस, इसका पाथ जो है वो चेंज करना चाहिए, तो इसके लिए इस पर राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी, और इस मकसद के लिए पहले से ही मैंने एक ई ड्राइव में एक एक्सचेंज का फोल्डर बनाया है, जहाँ पे डेटाबेस और लॉग फाइल का जो है अलग अलग मैंने फोल्डर बनाया है। ये एक अलग ड्राइव है, इस पर मैं पाथ कॉपी करता हूँ, और इस पर राइट क्लिक करने के बाद मैं मूव डेटाबेस पाथ, और मैं देता हूँ इसका पाथ चेंज करता हूँ। और लॉग फाइल का भी मैं पाथ चेंज करता हूँ। ये ड्राइव जो है ये रिडंडेंट ड्राइव होना चाहिए, और रेड 5 जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, ताकि स्विच प्रॉपर्टी सॉरी मूव डेटाबेस पाथ, और चेंज कर डेटाबेस का पाथ। और मैं इसको मूव कर देता हूँ। ये कह रहे कि टेम्परेरी डिसमाउंट करूँगा और फिर माउंट करूँगा, मैं ओके कर देता हूँ। और ये मेरा डेटाबेस का पाथ जो है वो मूव हो चुका है। अभी अगर मैं चेक करूँ इस फोल्डर में, तो आप देखेंगे कि लॉग फाइल और डेटाबेस फाइल जो है वो मूव हो चुकी है।